बाल भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, रूखे सूखे बेजान हैं, फ्रिजी हेयर हैं। लाइक आप कहीं भी जाते हैं तो आपके बाल बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं एंड आपके बाल में जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपके हेयर जो है बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनियर एंड स्मूथ बनेंगे एंड आपके जो हेयर हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम तक यू नो स्ट्रेट रहेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपने हेयर केयर पे ध्यान दे करके अपने हेयर को बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही सिल्की शाइनी स्मूथ बना सकते हैं। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ शमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शमास कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रिव्यू वीडियो जो कि है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल शैम्पू पे एंड कंडीशनर एंड सीरम पे। तो ये मैंने मैट्रिक्स की तीनों चीज़ें ली हुई हैं जो कि है शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रोफेशनल शैम्पू वगैरह कहाँ से बाय किया है एंड आपको बाय क्यों करना चाहिए अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, ड्राई हेयर हैं, तो आपको अपने शैम्पू चेंज करना चाहिए एंड एक अच्छे प्रोफेशनल शैम्पू की ओर जंप करना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने अपने वाले वीडियो में बताई थी, इनके प्राइजेस बताए थे। तो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ऑल्सो मैं आपको आइड बटन पर उसका लिंक दे दूँगी। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ये प्रोफेशनल शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम है, ये आपको कैसे अप्लाई करना है। लाइक उस वाले वीडियो में मैंने उसकी सारी क्वालिटीज़ वगैरह बताई थी और इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आप किस तरीके से इसे अप्लाई करें और किस तरीके से आप कंडीशनर लगाएं, किस तरीके से आप शैम्पू लगाएं, किस तरीके से आप सीरम लगाएं कि आप जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सके। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल शैम्पू की। तो ये जो शैम्पू है ये बहुत ही लाइक मुझे अच्छा लगा। इनकी फ्रेग्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आपको इसे अप्लाई कैसे करना है? आपको बस कुछ नहीं करना है, इसे आपको अपने हेयर पे बहुत ही जेंटली अप्लाई करना है और लाइक आपका इसको रिजल्ट, आपको इसे परमानेंट अप्लाई करना है अपने हेयर पे। लाइक आप जिस तरीके से अपना हेड वॉश करते हैं सेम आपको वैसे ही करना है। अगर आप वीक में 2 times करते हैं तो आप वीक में 2 times कीजिए, अगर आपको वीक में 3 times करते हो तो आप वीक में 3 times कर लीजिएगा। वो आपके ऊपर है कि आप जो है अपना हेयर केयर रूटीन कैसे फॉलो करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जब कभी भी अपना हेड वॉश करें तो आप मेक श्योर करें कि आप इसी शैम्पू से अपना जो हेड वो है वॉश करें। एंड फ्रेंड्स, इसकी फ्रेग्रेंस जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाजवाब है। लाइक जब आप इसे अपने हेड पर अप्लाई करेंगे, अपने हेयर पर अप्लाई करेंगे, तो आपको सच में लगेगा कि हाँ ये एक प्रोफेशनल शैम्पू है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी मुझे लगी। सो या फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने शैम्पू को अपने हेयर पे अप्लाई कर लीजिएगा और उसे अच्छे से मसाज, उसे बहुत ही जेंटली मसाज कीजिएगा। बहुत धीमे धीमे आपको पूरे हेयर को अच्छे से मसाज देनी है, पूरे हेयर पे अच्छे से जेंटली यू नो रब कर करके अपने हेड को बहुत अच्छे से मसाज देनी है। और मसाज देने के बाद आपको 2 से 3 minutes आपको वेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स? 2 से 3 minutes वेट करने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लेंगे। जिस तरीके से आप नॉर्मली अपने हेयर को वॉश करते हैं वैसे ही वॉश कर लीजिएगा। अगर आप अपने हेयर को ठंडे पानी से वॉश करते हैं तो आप ठंडे पानी से कर लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं तो आप नॉर्मल पानी से वॉश कीजिएगा। अगर आप ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ करते हैं तो आप ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ कर लीजिएगा। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना हेड वॉश करते हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी रनी है। लाइक ये थिक शैम्पू नहीं है, ये थोड़ा सा रनी शैम्पू है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है। मतलब बिल्कुल शीयर बटक देता है आपको, ये बिल्कुल बटरी बटरी सा सॉफ्ट सा आपको इसका टेक्सचर लगेगा जैसे आप अगर अप्लाई करेंगे। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको सच में लगेगा कि हाँ भाई, मैंने कोई शैम्पू वगैरह लगाया है। तो पर्सनली मुझे ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रनी है एंड अप्लाई करने पर ही आपको बहुत ही यू नो थोड़ा सा अप्लाई करने पर ही आपको बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर दे देगा। और जब आप अपने हेयर वॉश करेंगे तो आपको सच में लगेगा कि जो मेरे हेयर हैं वो स्मूथ हो रहे हैं, मेरे हेयर जो बहुत ही
ज़्यादा बटरी बटरी सी यू नो फीलिंग आएगी आपको हेयर पे, बहुत ही स्मूथ और रफ़ नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आपको बहुत ही स्मूथ लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये है हमारा मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट शेयर बटर प्रोफेशनल कंडीशनर पे। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की। तो या फ्रेंड्स ये थोड़ा सा थिक टेक्सचर में आता है, लाइक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एंड अब बात करते हैं इसके फ्रेगरेंस की। तो या फ्रेंड्स इसका जो फ्रेगरेंस है वो सेम है, लाइक जो शैम्पू का फ्रेगरेंस है वही सेम फ्रेगरेंस इसका है, और इसका फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छा है। लाइक जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको सच में लगेगा ये कंडीशनर जो है बहुत ही स्मूथ बटरी शेयर टेक्सचर आपको लगेगा। जो प्राइस है वो है 520, बट आप नायका वगैरह पे अगर आप देखेंगे तो आपको लाइक थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो कंडीशनर है वो आप कैसे अप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, जैसे आपने अपना हेयर वॉश कर लिया, और हेयर वॉश करने के बाद जब आपके हेयर वेट ही रहेंगे, आपको पूरी तरीके से अपने बालों को स्क्वीज नहीं करना, सारा पानी नहीं निकालना, थोड़ा सा आपको अपने बालों को वेट ही रखना है। और उसके बाद आप थोड़ा सा जो कंडी हाथ में लेके उसे दोनों हाथों में रब करके, और तब पूरे अपने जितना भी हेयर है सब पे, जितने भी आपकी हेयर ग्रोथ है उन सब पे बहुत अच्छे से लगाना है। और लगा करके उसे आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 मिनट तक अपने बालों पे रखना है, और उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। वाटर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा, आप ल्यूक वाटर से वॉश करना चाहे तो आप उससे कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से चाहे तो उससे वॉश कर सकते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे वॉश करें। तो इस तरीके से आपको जो है वो शैम्पू, जो प्रोफेशनल शैम्पू है ये उसे अप्लाई करना है, एंड जो कंडीशनर है उसे अप्लाई करना है। लाइक आप जो है कंडीशनर, मैं आपको कहूँगी कि अगर आप डेली यू नो वीक में अगर आप 2 से 3 बार अपना हेयर वॉश करते हैं तो आप इतना ज़्यादा कंडीशनर अपने हेयर में नहीं लगाएगा। जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने जो देखा है कि शैम्पू जब मैं शैम्पू लगाती और अपने हेयर को वॉश करती हूँ तो तब मेरा उतना हेयर फॉल नहीं होता है जितना मेरा कंडीशनर के बाद होता है। जब मैं अपना कंडीशनर लगाती हूँ अपने हेयर पे तो उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ अपने हेयर पे तो बहुत ज़्यादा उसी टाइम हेयर फॉल मेरे होने लगता है। तो इसलिए मैं जो कंडीशनर है वो बहुत ही कम अप्लाई करती हूँ अपने हेयर पे, मोस्टली मैं शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक आप लोग अपना अप्लाई करके देखिएगा, अगर आप में ये प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप बिल्कुल इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट की, जो कि है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट हेयर सीरम की। सो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं इसे अपने हेयर पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसे अप्लाई करने के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। फर्स्ट तो ये है कि जैसे आपने अपने हेयर को वॉश करने के बाद, कंडीशनर लगाने के बाद, जब आप इसे टॉवल से पोछेंगे अपने बाल को, तो थोड़े से आपके बाल जब गीले रहें उसके बाद ही आप ये हेयर सीरम अपने पूरे बालों पर अप्लाई कर लीजिएगा। लाइक आप 2-3 ड्रॉप ले करके अपने पूरे हाथों पर मल के और फिर उसके अपने हेयर पर लगा लीजिएगा, जैसे मैं आपको अभी आगे लगाने बताऊँगी। एंड जो दूसरा मेथड है वो ये है कि अगर आप हेयर ड्रायर से अपने बालों को ड्राई करते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने हेयर ड्रायर से अपने पूरे बालों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। उसके बाद आप अपने एक हाथ में थोड़ा सा इस तरीके से आप 3-4 ड्रॉप ले करके हेयर सीरम उसको दोनों हाथों से में रब करके और फिर अपने हेयर में अप्लाई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपके फ्रिजी हेयर होते हैं, जो आपके उड़े उड़े से बाल होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपका स्मूथ हो जाएंगे और आपका टेक्सचर थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, आपके हेयर का टेक्सचर थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। सो या फ्रेंड्स ये था इसे अप्लाई करने का तरीका, एंड ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो कि मैंने अपने इस प्रोफेशनल शैम्पू कंडीशनर एंड हेयर सीरम के बारे में आपसे शेयर किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप भी इसी तरीके से एक प्रोफेशनल शैम्पू की तरफ मूव कर सकती हैं, एंड अपने हेयर को प्रॉपर तरीके से अगर आप हेयर केयर रूटीन फॉलो करेंगी तो ज़रूर आपके बाल जो है वो डेफिनेटली हेयर ग्रोथ होगा, एंड आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनेंगे। सो या फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड मोर शेयर विद योर लव वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।